हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जय कोचिंग एंड कॉम्पिटिशन सेंटर। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल के बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कि हम कुछ आप ना जानते हों वहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप वाइज चलते चले जाएंगे, एक एक बात को क्लियर करते चले जाएंगे। सबसे पहले उसमें हम लेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ये सब बातें आज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है त्रिभुज, त्रिभुज होता क्या है। देखिएगा, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये तीन पॉइंट, आप ये भी कह सकते हैं तीन असंरेख बिंदु है, तीन असंरेख बिंदु। असंरेख मतलब जो एक सीधी रेखा में ना हो, उनको मिला दिया जाए तो जो आकृति बनती है वह त्रिभुज होती है। इन तीनों, इनको सीड्स कहते हैं, सीड्स वर्टेक्स इसका ही। और ये जो होती है इसकी ये भुजाएं हैं, ये रेखाखंड है, रेखा के खंड है, ये और ये ए बी सी। तो क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु है, नॉन कोलिनियर असंरेख बिंदु, द फिगर मेड अप बाय थ्री लाइन सेगमेंट, ये लाइन के टुकड़े हैं, रेखा खंड है ए बी बी सी और सी ए। और रेखा खंड को पिछली वीडियो में सिखाया, प्रदर्शित करने का तरीका ए बी के ऊपर ये लाइन खींच दी, ये रेखा खंड को प्रदर्शित कर रहा है ए बी बी सी और सी ए। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये बना दिया, ये ट्रायंगल नहीं है, कहीं भी ओपन नहीं रहना चाहिए। तो कैसी फिगर होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, जो घिरी हुई हो। अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं, इसमें तीन तो ये भुजाएं होती हैं, भुजाएं ए ए बी बी सी और सी ए, और तीन ही कोण होते हैं। तो त्रिभुज के कितने पार्ट हो गए, छह, तीन भुजाएं और तीन कोण। तो क्या लिखा हुआ है, द थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नोन एज सिक्स पार्ट्स और सिक्स एलिमेंट ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब त्रिभुज के छह भाग होते हैं, क्या क्या, तीन भुजाएं और तीन कोण, इन छहों से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। मतलब त्रिभुज के ये तीन छह से होते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो त्रिभुज की भुजाओं पर और दूसरा त्रिभुजों के कोण पर। तो इसके दो स्तर पर वर्गीकरण किया जाता है, एक था बेसिस ऑफ साइड्स और एक बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहला आता है स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु। यदि आपको दिक्कत हो, आप विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, जैसे एक ये रही, एक ये रही, ये रही, जिनकी नाप अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जब भुजाएं भिन्न भिन्न होंगी तो इसके कोण भी भिन्न भिन्न होंगे। नंबर दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रहा त्रिभुज ए बी सी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों आपस में बराबर हैं, तो तीनों ये कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीसरी हेडिंग आती है
आइसोसीलिस ट्रायंगल, समद्विबाहु, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दो भुजाएं बराबर होंगी, देखिएगा ए बी सी, यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ तो देखें, मैंने हिंदी में सारी बात आपको बोल दी। अब देखिएगा शब्द इंग्लिश में बहुत कठिन नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल से। देखिए इसके लिए ट्रायंगल क्या होता है, व्हेन ऑल साइड ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। मतलब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अनइक्वल हो तो उसे स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल, व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी प्रकार आइसोसीलिस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें आपने पढ़ लिया है, आप अपने मन से बनाइए डेफिनेशन। उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड आइसोसीलिस ट्रायंगल। अब दूसरा, त्रिभुजों का वर्गीकरण अब किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो तीनों कोण 90 से छोटे हो त्रिभुज के तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं तीनों। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 से बड़ा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको एक्यूट एंगल न्यून कोण, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, राइट एंगल समकोण समझाया था क्या क्या होता है। अब वही चीज ट्रायंगल में आ गई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हेन ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्यूट द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है आपको इंग्लिश में। व्हेन, जब सभी कोण किसी त्रिभुज के एक्यूट हो, न्यून कोण हो, तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार व्हेन वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, एक कोण कैसा हो, अधिक कोण हो, ये अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, अधिक कोण कोण, ये न्यून कोण, न्यून कोण। और ये समकोण, जब एक कोण कैसा हो समकोण, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज